नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दूसरे राहत पैकेज देने की चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार संक्रमण से राहत देने के लिए अधिकतम 4.5 लाख करोड़ रुपये तक खर्चा कर सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हम पहले ही GDP के 0.8% बराबर पैकेज दे चुके हैं। अब हमारे पास GDP के 1.5 से 2% के बराबर पैकेज देने की गुंजाइश है। इस बैठक के दौरान मोदी के साथ गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों उपस्थित थे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सूचना जारी कर जानकारी दी है कि गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज के जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और बारिश होने की संभावना है। केरल में खुली झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केरल में फंसे मजदूरों के लिए 2 ट्रेन शनिवार को खुली, जिसमें एक सुबह और एक ट्रेन शाम को कोझिकोड केरल से खुली। पहली ट्रेन त्रिवेंद्रम केरल से खुली, जो झारखंडियों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हो चुकी। लॉकडाउन में फंसे हर झारखंडी को सकुशल राज्य वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखे। झारखंड में 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें दोनों देवघर जिला से हैं। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 113 से बढ़कर 115 हो गई, जबकि कुल 22 लोग ठीक हुए। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 39,699 है, जबकि ठीक हुए मरीज 10,819 और 1,323 लोग मृत्यु हो गए। झारखंड के पूर्व मंत्री व रह चुके विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ी, एयर एम्बुलेंस से भेजे गए दिल्ली। खबरों के अनुसार झारखंड पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद का कल तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस से भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजेंद्र प्रसाद सिंह के फेफड़े में संक्रमण होने के कारण तबीयत खराब हुई। 3 साल पहले उनकी ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम मजदूरों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने इतना कष्ट सहकर भी वहां रुके रहे और सरकार के इंतजाम का इंतजार करते रहे। प्रवासी मजदूरों का स्वागत के लिए प्रशासन व अन्य अधिकारियों ने फूल, खाने के पैकेट और पानी के साथ स्वागत किया। झारखंड के कौन कौन जिला किस जोन में है? खबरों के अनुसार झारखंड में रांची समेत 11 जिलों में संक्रमण पॉजिटिव केस मिले हैं। रांची को रेड जोन में रखा गया है। यहाँ लॉकडाउन में कड़ाई जारी रहेगी। ऑरेंज जोन में बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, सिमडेगा, देवघर, गढ़वा, पलामू, जामताड़ा, गोड्डा जिला को ऑरेंज जोन में रखा गया है। शेष बचे जिला धनबाद, चतरा, पाकुड़, गुमला, कोडरमा, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, दुमका, साहिबगंज और सरायकेला खरसावां को ग्रीन जोन में रखा गया है। धनबाद जिला में पिछले 21 दिन के अंदर केस नहीं मिलने के कारण इसे ऑरेंज जोन से हटाकर ग्रीन जोन में किया गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन किस जोन में कितना छूट मिलेगी? खबरों के अनुसार गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल और रेल हवाई यात्रा सभी प्रकार की पूरी तरह से रोक रहेगी। ग्रीन जोन में राष्ट्रीय स्तर पर लघु प्रतिबंधों के अलावा कोई भी प्रतिबंध नहीं होगी। 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन के जिले में आ जा सकते हैं। रेड जोन में किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। सैलून, पार्लर, बस पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं ऑरेंज जोन में कुछ कुछ छूट दी जा सकती है। बस सेवा ऑरेंज जोन में भी बंद रहेगी। कोटा स्पेशल ट्रेन 970 छात्रों को लेकर रांची पहुंची। खबरों के अनुसार कोटा से हटिया जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी। इस ट्रेन में 970 छात्र थे, जो रांची के कोटा में पढ़ने गए हुए थे। रांची आगमन के क्रम में ट्रेन बिलासपुर रुकी। वहां बच्चों को नाश्ता व भोजन का पैकेट दिया गया। इसके बाद ट्रेन रांची के लिए रवाना हो गई। हम आपको बताते चले कि सारी सुविधाएँ रेल के बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। गढ़वा जिला के लिए राहत भरी खबर आई है।
गढ़वा का संक्रमित मरीज जो पॉजिटिव था वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष दो का भी सैंपल दोबारा जांच के लिए भेज दिया गया है, इसकी पुष्टि डीसी हर्ष मंगला ने की। जिला में ही की जाएगी मैट्रिक व इंटर की कॉपी जांच। खबरों के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक व इंटर की कॉपी जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 21 जिलों में कॉपी जांच की जाएगी, जिसमें 67 केंद्र बनाए गए हैं। सभी शिक्षक अपने जिले में कॉपी जांच कर पाएंगे। मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सभी शिक्षक 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। हम आपको बता दें कि राज्य में मैट्रिक व इंटर दोनों को मिलाकर कुल 6.21 लाख परीक्षार्थी हैं। पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त। खबरों के अनुसार बीते दिन तेलंगाना से आ रहे मजदूरों को रांची से चतरा लाने गई एस्कॉर्ट वाहन रामगढ़ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हम आपको बताते चले कि चतरा से 36 मजदूरों को उनके क्वारंटाइन सेंटर तक छोड़कर लौटने के क्रम में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मौजूद 5 जवान घायल हो गए। सभी का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। बेरोजगारी दर 1 माह में तेजी से बढ़ी। लॉकडाउन के कारण देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 14.8% से बढ़कर 23.5% पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर केंद्र प्रशासित पांडुचेरू में, जबकि झारखंड तीसरा स्थान पर है। झारखंड में बेरोजगारी दर 38.9% से बढ़कर 47.1% पर पहुंचा। पंजाब में सबसे कम बेरोजगारी है। मजदूरों को लाने के लिए राज्यों से किराया लेगा रेलवे। खबरों के अनुसार भारतीय रेलवे ने श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों से किराया लेगा। शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किराए में टिकट की कीमत 30 रुपया सुपरफास्ट तथा 20 रुपया प्रति यात्री भोजन तथा पानी के लिए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने को जारी किया निर्देश। खबरों के अनुसार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। हम आपको बताते चले कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए सरकार बस के माध्यम से तथा शेष बचे राज्यों में फंसे मजदूरों को रेल के माध्यम से लाएंगे। सभी मजदूर राज्य सरकार के खर्च पर निःशुल्क वापस आएंगे। किसी भी मजदूर यात्री को 1 रुपया भी वापसी नहीं देनी होगी। अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से की बात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को आदिवासी मुंडा समाज, भारत मुंडा समाज व कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। श्री मुंडा ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड व उड़ीसा के लोगों के संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मजदूर घर लौट रहे हैं, सावधान रहना होगा, नहीं तो खतरा साबित हो सकता है। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। तेलंगाना में मजदूरों ने किया हंगामा। खबरों के अनुसार तेलंगाना के रामाकुंडम एनटीपीसी प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को घर वापसी के लिए परमिशन नहीं दिए जाने के बाद मजदूरों ने सड़क पर उतर आए। मजदूरों का कहना है कि हम घर लौटना चाहते हैं। वही कंपनी वालों का कहना है कि घर जाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। काम शुरू किया जा रहा है। मजदूरों ने शाम तक की मोहलत दिया और कहा कि सुबह तक उन्हें रोड जाम किया जाएगा। महिलाओं को खातों में सोमवार से मिलेंगे 500-500 रुपये। खबरों के अनुसार महिलाओं जनधन खाता में 500-500 रुपये सरकारी सहायता की दूसरी किस्त सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को महिला जनधन खातों को खाते में अप्रैल से 3 महीना तक 500 रुपये देने की घोषणा की थी। सभी महिलाओं के जनधन खाता में 500-500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। जिन महिलाओं के खाता संख्या के अंत में 0 से 1 है उनके खाते में 4 मई तथा 2 तथा 3 है उनको खाते में 5 मई तथा 8 व 9 है उनके खाते में 11 मई को राशि भेज दी जाएगी। देवघर जिला से 2 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज खड़गपुर और हरियाणा से देवघर लौटे थे। दोनों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। शनिवार को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई। मजदूरों के पास आ रहे हैं फेक कॉल। खबरों के अनुसार मजदूरों के पास फेक कॉल आ रहे हैं, निजी जानकारी ली जा रही है। मजदूरों को 5,000 रुपये सहायता राशि दिए जाने का झांसा देकर एटीएम और उनका आधार नंबर का फोटो व्हाट्सएप करने को बोला जा रहा है। हम आपको बता दें कि ऐसे फेक कॉल पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वे आपको सहायता की जगह पर ठगी का शिकार बना सकते हैं।
किसी भी कॉल पर अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। बोकारो जिला के 101 मजदूर पहुंचे अपने घर। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे 101 मजदूर जो बोकारो जिला के थे, वे देर रात पहुंच चुके। बोकारो प्रशासन ने स्वागत किया, वेलकम टू होम। उसके बाद सभी लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। मजदूरों को घर वापसी को लेकर करना होगा पंजीकरण। खबरों के अनुसार मजदूरों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने झारखंड वापसी हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की है। जो मजदूर घर लौटना चाहते हैं उन्हें पंजीकरण करना होगा। उन्हें अपने पंजीकरण में मोबाइल नंबर, नाम, पूरा पता के साथ किस राज्य में फंसे हुए हैं उसकी जानकारी देनी होगी, जिससे कि उनसे संपर्क किया जा सके और उन्हें घर वापस लाया जा सके। पंजीकरण का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप झारखंडप्रवासी.in पर जाकर निबंधन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद व विधायकों से की चर्चा। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने दक्षिणी छोटा नागपुर व उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों एवं विधायकों के साथ संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे राहत कार्यों एवं आगे की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श की। पलामू जिला एक नक्सली हुआ गिरफ्तार। खबरों के अनुसार छतरपुर पुलिस ने भाजपा माओवादी का सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी DSP ने देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। 17 मई तक नहीं चलेंगी यात्री ट्रेन। खबरों के अनुसार रेलवे मंत्रालय की ओर से शनिवार को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें।